नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं खबर फास्ट न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी ने अशोक स्तंभ का अनावरण किया। नई संसद भवन पर अशोक स्तंभ का किया अनावरण। आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी की ओर से नेशनल एम्बलम जो है वो रखा गया है नए संसद भवन के ऊपर। आपको बता दें इस दौरान मौके पर, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका राय जुड़ गई। प्रियंका, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी दीपाली, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन पर, जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, उस पर करीबन 6.5 मीटर लंबा राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। और आपको बताना चाहूंगी दीपाली कि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसद देश का प्रतीक है और ये वो बिल्डिंग होगी भविष्य में जिससे देश के सारे बड़े फैसले लिए जाएंगे दीपाली, और जिसके पटल से, जिसके मन से देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी भारत की पहचान होगी। तो आज इसी बिल्डिंग के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कास्ट राष्ट्र प्रतीक का अनावरण किया है, और ये राष्ट्र प्रतीक करीबन 6.2 मीटर लंबा है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया दीपाली। प्रियंका, अगर हम बात करते हैं जो अभी संसद भवन जो है अभी बना हुआ है, जिसमें काम चलता है, तो उसके मुकाबले जो ये अब नया संसद भवन जो बनाया जा रहा है तो काफी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, ये भी कहा जा रहा है, और तमाम व्यवस्थाएं जो हुए वो इस नए संसद भवन में होंगी। जी दीपाली, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पुराने संसद भवन के मुकाबले नए संसद भवन में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। अर्थक्वेक से बचने की सुविधा होती है, यानी जिस तरीके से अभी नया आर्किटेक्ट का इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंग बनाई जाती है वो भी होगा, देखने में भी भव्य होगा, अलग तरीके से निर्माण किया जाएगा। और दीपाली, सबसे अच्छी बात ये होगी कि जल्द से जल्द जनता को नए संसद भवन को देखने का, और वहां से उनके लिए जो फैसले आएंगे वो उन फैसलों जनता के हित में जो फैसले आएंगे उनको भी देखने का मौका मिलेगा दीपाली। प्रियंका, अगर हम बात करते हैं वहां पे सीट्स की, क्योंकि पहली अभी जो संसद भवन है उसमें सीट जो है वो कम है, कम सदस्य बैठ सकते हैं, लेकिन अब जो नया भवन का जो निर्माण किया जा रहा है इसमें कितने सदस्य की बैठने की व्यवस्था होगी? दीपाली, मैं आपको बताना चाहूंगी कि संसद भवन इस तरीके से निर्माण किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधि वहां बैठ सके, जनता से जुड़े फैसले ले सके, और तमाम फैसलों को देखते हुए लगातार संसद भवन में हर वो प्रक्रिया और हर वो चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ के आर्किटेक्ट प्रॉपर तरीके से हर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए ये चाह रहे हैं कि संसद भवन का बेहतर से बेहतर निर्माण हो, ताकि दुनिया की नजर जो इस संसद भवन के निर्माण पे टिकी हुई है उसको देखते हुए हर वो हाई प्रोफाइल चीजें मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका राय तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने भी जानकारी दी है कि नेशनल एम्बलम जो है वो रखा गया है नए संसद भवन के ऊपर, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण भी किया है। वहीं मौके पर आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। इसी के साथ आपको बता दें कि जो नया संसद भवन होने वाला है, निर्माण जो होगा पूरी तरह से जैसे वो तैयार होगा, पूरे अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा, सारी सुविधाएं उसमें होंगी।